ये देखना है कि ये जो आपकी लैश, इसको हमने इस जो ये जो वायर है इसको बहुत आराम से इसको सॉफ्ट करना, ताकि जब आपकी आंख ऊपर लगे तो ये हार्ड ना हो। सॉफ्ट करके फिर आपने इसकी साइड्स काट ली सीजर के साथ। अच्छा, आपने साइड्स इसकी इसलिए काटनी है ताकि ये जब आंख के ऊपर लगे तो ये उसकी आंख के अंदर चुभे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा भी नोक निकली होगी ना तो आइज जब आप ऊपर नीचे करेंगे क्लाइंट तो उसकी आंख के अंदर ही चुभेगा और उससे उसको इरिटेशन पैदा होगी। ठीक है, अब आपने ये सबसे पहले ये भी देखना है कि आपकी जो लैश आपने उतारी है वो कौन सी साइड है। अब अगर ये वाली साइड है तो आप देखेंगे आप इस तरह रखें तो ये आँख से इस साइड पर लगेगी, एजेस बिल्कुल एज के ऊपर आपने इस तरह ग्लू लगा देना, इस तरह इस किनारे के ऊपर लगाना है। ठीक हो गया, और अब आपने इसको ऐसे अप्लाई